नमस्कार, मैं पॉपी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। मुरादाबाद के 2,500 खातों में 10,000 पहुंचे। फेसबुक इंस्टाग्राम पर इनकम टैक्स की नज़र। आसाम में पीएम मोदी बोले, भारत ने पहली बार आतंकियों को घर में घुसकर मारा, लेकिन कांग्रेस परेशान है। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर भोजपुर में करीब 2,500 जनधन खातों में शुक्रवार को 10,700 रुपए आ गए। ये सभी खाते बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस सेंटर से जुड़े हैं। इसकी जानकारी मिलते ही बैंकों ने खातों से रुपए की निकासी पर रोक लगाते हुए जांच शुरू कर दी है। खाते में रुपए आने की जानकारी मिलते ही खाता धारक PC सेंटर पहुंचे। कुछ ने रुपए निकाले, भीड़ होने से लोगों में हंगामा भी किया, जिसके बाद बैंकों की जानकारी मिली। बैंक के मुताबिक अल्पसंख्या विभाग से NEFT के जरिए रकम ट्रांसफर की गई है। बैंक ने PC सेंटर के संचालक मोहम्मद दानिश को रिकॉर्ड कर दिया है और सभी लेनदेन पर रोक लगा दी है। नई दिल्ली, अब आयकर चोरी करने वालों की खैर नहीं। नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से इनकम टैक्स विभाग ऐसी तकनीक शुरू करने जा रही है, जिससे टैक्स चोरी करने वालों को आसानी से पता चल जाएगा। इस तकनीकी से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी टैक्स पेयर्स को हर तरफ से ट्रैक कर सकते हैं। यानी अगर किसी के आमदनी और खर्चों में कुछ गड़बड़ है, तो वह सीधे तौर पर इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाएगी। इनकम टैक्स विभाग नए प्रोजेक्ट के तहत टैक्स चोरी का पता लगाने के फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट से भी जानकारी जुटाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि जिस बात पर देश गर्व करता है, उसी बात पर इनको दुख होता है। दुनिया के भारत का डंका बजता है, ये तो तिलमिला जाते हैं। ये वही भाषा बोलते हैं जो आतंकियों को आका बोलते हैं। अपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये खुद देखा है। जब भारत ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, तो इनका क्या रवैया है, ये भी आपने देखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत ने पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर मारा है, लेकिन कांग्रेस परेशान है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की नींद उड़ गई। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। We'll be right back.